मालिक की जय। तो बता, जो करने गई थी कर पाई? हुई तेरी मुलाकात महाशैतान से? जी मालिक। मैं आपसे कुछ लेने नहीं, आपको कुछ देने आई हूँ महाशैतान। मैं अपनी आत्मा का सौदा करने आई हूँ आपसे, स्वीकार कीजिए। अगर मैंने तेरी आत्मा को स्वीकार किया तो वो हमेशा हमेशा के लिए मेरी हो जाएगी, कभी तुझे वापस नहीं मिल पाएगी। बोल, है मंजूर? मुझे मंजूर है, बिल्कुल मंजूर है, खुशी खुशी मंजूर है महाशैतान। ठीक है, अगर तू यही चाहती है तो यही होगा। शैतान को खुश कर दिया और मेरा भी दिल जीत लिया। अब हम में से एक हो चुकी है तू। खुश हुआ मैं? बहुत खुश। मालिक की जय। मालिक की जय हो। तुझे पूरनगढ़ की महारानी बनाने का समय अब आ गया है सौदामिनी। अब मेरे सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे मालिक। अब मैं इस दर्द से हमेशा हमेशा के लिए आजाद हो जाऊंगी। मेरी कसम पूरी हो जाएगी मालिक। मालिक की जय हो। अगर आपके दुश्मनों ने आपके फैसले के खिलाफ बगावत कर दी तो कहीं आपकी पूरनगढ़ की ये महारानी उन लोगों के सामने कमजोर ना पड़ जाए। मालिक की जय हो। कमजोरी से नफरत है मालिक को, इसीलिए वो कमजोर कभी कुछ नहीं बनाता। मेरे गुलाम महारानी सौदामिनी की ताकत जब सबके सामने आएगी तो सबकी रूह कांप जाएगी। जा,
और जाकर बता दे पूरे पूरनगढ़ को कि मालिक ने पूरनगढ़ की नई महारानी भेजा है, और बोलना उस राजा से कि गद्दी से उतर जा, वरना मेरी यही गुलाम खींच कर उतारेगी उसे। जी मालिक जी, आप महान है मालिक, आप महान है। राजा साहब, बदतमीज लड़की, तेरी हिम्मत कैसे हुई यहां पर बैठने की? ये पूरनगढ़ का सिंहासन है, कोई बरामदे में पड़ी ऐरी गहरी कुर्सी नहीं है। मालिक फरमान, सदावनी नई रानी, पूरनगढ़ की रानी। ये मालिक का फरमान है किंग अंकल, अब उनके खिलाफ तो नहीं जा सकते, है ना? काली शक्तियों के अधिपति, शैतानों के शैतान मालिक को साक्षी मानकर हम सुदामिनी को पूरनगढ़ की महारानी घोषित करते हैं।